चुनावी वायदे पूरे करने और सब्जी मंडियों में कमीशन को लेकर छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के बैनर तले किसानों ने किया प्रदर्शन। 2018 के विधानसभा चुनाव में किसानों से किए गए वायदे पूरे करने एवं सब्जी मंडियों में कमीशन को लेकर छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के बैनर तले बुधवार को दुर्ग के पटेल चौक पर प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई, साथ ही पैदल मार्च निकालकर जिला कलेक्टर पहुंचकर कृषि मंत्री व छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसके साथ ही प्रदेश के थोक सब्जी मंडियों में कार्य के समय एवं कमीशन आदि के मामले में एकरूपता स्थापित करने के लिए नियम कानून एवं सिस्टम बनाए जाने की मांग की गई। 5 तारीख को हम लोग गए थे रायपुर। हम लोग चाहते थे कि बैठ के चर्चा हो। कृषि मंत्री के निवास में भी गए थे, वो बीमार था। अब भूपेश निवास में भी गए थे, लेकिन वहाँ पर उन लोगों ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। इवन पत्र दिए, उसमें पत्र में पावती देने से भी उन लोगों ने इनकार कर दिया। और किसानों के जो मुद्दा है, खास करके एक तो है कि मतलब किस खेती का ही उपज है सब्जी, उसकी जो समस्या है एक ये है। और दूसरा ये है कि किसानों से जो वादा किया था सरकार बनने के पहले, 2 साल का पिछला बकाया बोनस देंगे, बिजली का भी मतलब हमारा सरकार बनने के बाद बिजली नहीं काटा जाएगा, दाना खरीदा जाएगा, रबी फसल का भी उपज को खरीदा जाएगा, एक व्यवस्था देगी, ये सरकार ने कहा था इनके बनने के पहले। लेकिन सरकार में आने के बाद में ये भूल गए हैं। सरकार में जब नहीं रहते हैं तो सारे मुद्दा इनको याद रहता है, और सरकार में आने के बाद में, चाहे सरकार बीजेपी का रहा हो या वर्तमान में कांग्रेस का हो, सरकार में आने के बाद में मुद्दे इनके भूल जाते हैं। तो उन्हीं मुद्दों को याद दिलाने हम लोग गए थे बैठ कर चर्चा करने वास्ते। ऐसे किसान मन भारी निराश और हताश है। कारण ये है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये पहला साल है जब खरीफ सीजन में किसान मन धान के बुआई लगभग 40-50% कर चुके हैं, अब फसल बीमा योजना कोई अता पता नहीं। ये पहला साल है यानी फसल बीमा योजना में धान बुआई से लेकर के रुवाई तक कवर होते, धान 40% वो आगे अभी बीमित नहीं है। अभी यदि किसान लोग कोई नुकसान हो गए तो एक बीमा के क्लेम नहीं बन सके। तो ऐसे सरकार किसान के परिवार वाले मुख्यमंत्री सरकार फसल बीमा योजना आज तारीख तक लागू नहीं कर सके है। यहाँ छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज तक नहीं हुए है जो बघेल सरकार के कार्यकाल में हुए है। ये जो बघेल सरकार है ये लफाज सरकार है। दावा करते हैं कि हम 2800 रुपये में धान खरीदा सकें, साफ झूठ बोला थे। हम तो चुनौती दे थे बघेल जी, 2800 रुपये में आप यदि धान खरीदा था तो आप ऑफिशियली ऐलान कर दो, 20 क्विंटल एकड़ खरीदे का ऐलान कर ही दे हो। हम 20 क्विंटल धान 2800 रुपये के भाव से खरीदबो, एक अधिकृत रूप से ऐलान कर दो। नहीं करे, मक्कार सरकार है, लफा सरकार है। तो हम तो चाहते हैं कि 2800 रुपये मिले 20 क्विंटल का पैसा, 56,000 रुपया एक एकड़ में किसान लेते थे 20 क्विंटल बेचने वाला ला, मगर नहीं। तो ये जो सरकार है ये है किसान मतलब सिर्फ झांसा देने वाला सरकार है। बहुत अगर बात चुनाव घोषणा पत्र में रहे हैं, हमारे ज्ञापन में है, 4.5 साल हो गए पूरा नहीं करे। अभी ये जो बिजली कटौती सिंचाई पंप में 5 जिला छत्तीसगढ़ में, जो 33 जिला में से 5 जिला आज भी बिजली कटौती, रमन सरकार के पाप बोले बघेल सरकार, वो पाप ला अपन कंधा में लेकर ढोआ थे। आज तक ये बिजली कटौती ये सरकार बंद नहीं करे है। चना गेहूँ के सरकारी खरीदी भाजपा कर रही से अभी तक चालू नहीं हुए है। किसान मन के पेंशन, अभी तक एक किसान के लिए कोई पेंशन योजना नहीं आए है। तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ के किसान मन हाँ बघेल सरकार से भारी नाखुश है। क्योंकि सरकार अभी भी सतर्क नहीं हुई तो ये सरकार लेकर खामियाजा भुगतने पड़ सकते, बहुत साफ बात है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।